हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ये मेरा दूसरा ब्लॉग है, पहला ब्लॉग मैं बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। और ये मेरा दूसरा ब्लॉग है, मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि जो पटेटो जो होता है उसका सीड जो होता है वो ग्राउंड में किस टाइप से डाला जाता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोइल जो होती है उस सोइल को फर्टाइल बनाया जाता है, जिससे कि आलू पटेटो जो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो यूरिया है। इसे सोइल में मिक्स किया जाता है जिससे कि पटेटो जो है अच्छे से ग्रो कर सके। मशीन देख रहे हैं, इस मशीन की हेल्प से ही आलू की बीज की सोइंग की जाती है। और इसके अंदर एक होल पाइप सा जो कि ग्राउंड से अटैच होता है, जिसके थ्रू आलू नीचे जाता है। पीछे जो मशीन पर चार लोग बैठे हुए होते हैं, आलू के बीज को टैप टैप करके नीचे डालते हैं। और आलू जो है, आलू का बीज जो है पाइप जो होता है रोटेशन पाइप के थ्रू नीचे आ जाता है। जब ये मशीन वगैरह नहीं थी तो पहले जो नॉर्मली हाथों से गाड़ दिया जाता था आलू जमीन में, तो मार्केट में एक से एक बढ़िया मशीन आ गई है। अब तो नॉर्मली हाथों से ज़्यादा गाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब पहले जब मशीनें वगैरह नहीं थी तो हाथों से ज़रूरत पड़ती थी, हाथों से काट दिया करते थे आलू ज़मीन में। फाइनली जो है मशीन का काम जो होता है वो फिनिश हो जाता है। अब आती है बारी चेक करने की कि आलू का बीज जो है सही तरह से ज़मीन में गया है या नहीं। अब फाइनली इसे हाथों से देख लिया जाता है कि आलू जो कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है, कितने दिन नीचे ज़मीन के नीचे गया हुआ है। तो यहीं पर देखिए आप, ये आलू आ गया हाथ में। वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इसका दूसरा भी पार्ट लेकर आऊँगा, 3 से 4 महीने में जब ये अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएंगे तो मैं इसका दूसरा भी पार्ट बनाऊँगा। थैंक यू।